आम आदमी पार्टी दुर्ग द्वारा गत दिनों स्मृति गृह निर्माण समिति मर्यादित के अध्यक्ष सहित प्रबंधन समिति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से नकारते हुए स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के अध्यक्ष राजीव चौबे ने कहा कि मेहरबान सिंह जिस ईडब्ल्यूएस के 5 एकड़ जमीन को बेचने की बात कह रहे हैं वे 5 एकड़ तो छोड़िए ईडब्ल्यूएस की 5 इंच जमीन की भी रजिस्ट्री दिखा दें तो मैं अपनी पूरी संपत्ति मेहरबान सिंह के नाम दे दूंगा। दर्शकों, राजीव चौबे एक ऐसा नाम है जो कि काफ़ी जाना पहचाना है, पहचान का मोहताज नहीं है। राजीव चौबे जो कि गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं स्मृति नगर, और काफ़ी अच्छा काम उनका देखा जाता है, हाल ही में चुनाव भी जीत कर आए हैं बहुमत से, लेकिन उन पर ऐसा देखा है कि आरोप और प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं। हाल ही में मेहरबान सिंह ने धरना देकर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हमने अपने स्टूडियो में उन्हें आमंत्रित किया और उनसे चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह का आरोप है और वो क्या उसका खंडन कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले उनसे सवाल करेंगे। सर, आपका स्वागत है। मेहरबान सिंह आंदोलनजीवी नेता हैं और तथ्यों और जानकारी के अभाव में उड़ती खबरों के आधार पे आरोप लगाना, आंदोलन करना, ब्लैकमेल करना, ये उनका एक व्यवसाय बन गया ऐसा प्रतीत होता है। मेरे विरुद्ध जो उन्होंने आरोप लगाए हैं सारे आरोप पूर्णतः अनर्गल, तथ्यहीन, आधारहीन आरोप हैं। जिस प्रकार के उन्होंने कल कहा कि उनके पास दस्तावेज हैं, सबसे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि मैंने स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था की ईडब्ल्यूएस की जमीन बेच दी है। यदि वो कहते हैं कि उनके पास दस्तावेज हैं तो वो 1 इंच ईडब्ल्यूएस की जमीन के 1 इंच के विक्रय की कोई भी रजिस्ट्री दिखा दे जो राजीव चौबे द्वारा या मेरे पूर्ववर्ती किसी भी अध्यक्ष द्वारा विक्रय की गई हो। यदि वो ऐसा करते हैं तो जिस प्रकार की वो बात करते हैं, मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि जितनी संपत्ति मेरी अपनी है वो सारी मैं मेहरबान सिंह जी के नाम से कर दूंगा। राजीव जी, मेहरबान सिंह जो आप पार्टी की आरटीआई विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्मृति नगर चौक पर धरना दिया और आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था जिसको किसी अखबार ने जगह नहीं दी थी। वो विश्वरतन सिन्हा एक संस्था के पूर्व सदस्य हुआ करते थे, उनके भूखंड को लेकर था और उस पर भी मैंने सारी स्थिति उससे उनको अवगत कराया था कि एक सदस्य द्वारा मेरे कार्यकाल से 3 कार्यकाल पूर्व स्वर्गीय हरमन सिंह जब अध्यक्ष थे तो उनके कार्यकाल में सदस्यता प्राप्त की गई और उनको भूखंड नहीं मिला। वो 20 साल बाद मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैंने तब सदस्यता ली थी और मुझे भूखंड नहीं मिला। मैंने उनको बताया था कि ऐसे सभी सदस्य जिनके पास भूखंड नहीं है और जो स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के सदस्य थे, एक न्यायालयीन आदेश से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। रजिस्ट्रार का एक सर्कुलर था, पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, एक नियम बनाया गया जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी गृह निर्माण सहकारी संस्था का तब तक सदस्य नहीं हो सकता जब तक उसके पास भूखंड ना हो। यदि भूखंड है और उसकी प्रत्याशा में सदस्यता दी जाए तो बात अलग है। तो उस आधार पर एक संस्था की सदस्य द्वारा एक वाद दायर किया गया था माननीय न्यायालय उपपंजक सहकारी संस्था दुर्ग में, और उन्होंने उस आदेश के तहत ऐसे सभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी थी। वो आरोप लगा आज से करीब साल भर पहले और मैंने स्पष्टीकरण दिया, सारी बातें प्रेस के सामने रखी और बताया। उसके बाद ये नई बात आ रही है कि ईडब्ल्यूएस की जमीन बेच दी और इस प्रकार के अन्य आरोप जो उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, कोई भी आरोप वो प्रमाणित करके दिखाए। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा ये क्या आरोप। राजीव जी, मेहरबान सिंह ने कहा है कि उनके पास पूरे दस्तावेज मौजूद है जो आरोप वो लगा रहे हैं, इसके सारे साक्ष्य उनके पास मौजूद है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दस्तावेज दिखाएं, बोलना नहीं, बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं वो ईडब्ल्यूएस की जमीन की, और 5 एकड़ जमीन की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, 5 एकड़ छोड़िए, 5 इंच जमीन के विक्रय का दस्तावेज दिखाएं कि ईडब्ल्यूएस की जमीन का विक्रय, और बताएं कि किस व्यक्ति ने किया है। ईडब्ल्यूएस की जमीन बिक चुकी है, इस्पात कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का संस्था के ऊपर 35 करोड़ का कर्जा है, ये बता रहे हैं। ये होते कौन बताने वाले सोसाइटी का किसके ऊपर क्या कर्जा है? कर्ज लिया गया था जब संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आर एन पाल थे आज से 40 साल पहले। उस प्रकरण का निपटारा मेरे कार्यकाल में हुआ पूरी ताकत से, जी जान से लग के, और उस प्रकरण का निपटारा हो चुका है, कर्ज का हम भुगतान कर चुके हैं, हमारी जमीन जो बंधक दर्ज थी वो बंधक मुक्त हो चुकी है। वो माननीय न्यायालय संयुक्त पंजक के आदेश से इस्पात कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जितना बनता था
उस राशि का हम भुगतान कर चुके हैं और उस भुगतान के उपरांत जो भूखंड हमारा जो मॉर्गेज दर था रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वो सारा कुछ फ्री हो चुका है। तो ये बता रहे हैं कि अच्छा अगर कर्जा है तो वो स्मृति निर्माण सहकारी संस्था के 1600 सदस्यों का है, 1200 सदस्यों का है, ये मेहरबान सिंह है कौन? ये तो संस्था के सदस्य भी नहीं है। संस्था की वार्षिक आम सभा है, संस्था का चुनाव होता है। पिछले 4 चुनावों में स्मृति निर्माण सहकारी संस्था के सदस्यों ने मुझे चुना है, उनका विश्वास मेरे साथ है। यदि इस तरह से मैं गलत होता तो सवाल ही नहीं उठता, एक के बाद दूसरा चुनाव जीतना संभव नहीं था मेरे लिए। तो ये जनता का विश्वास है, मेरे 1200 सदस्यों का विश्वास है मेरे ऊपर। और यदि सही वो कहते हैं कि GWS की जमीन बिकी है, वो प्रमाणित करें। राजीव जी, इसके पूर्व भी मेहरबान सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोप आपके ऊपर लगाए थे, क्या कहना चाहेंगे? एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि बार बार इससे पहले 4 लोगों ने इसी प्रकार के आरोप लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके। नाम गिनता हूँ, डॉक्टर राकेश मिश्रा, JC मेश्राम, SC सोनी और श्री अरुण अग्रवाल, इन 4ों के विरुद्ध मैंने मानहानि का मुकदमा दायर किया। मुकदमा दायर हुआ, न्यायालय ने मुकदमे को ग्राह्य किया और आज 5 साल बाद स्थिति है कि उनके पास चार्ज लग चुके हैं। चार्ज तभी लगता है जब पुख्ता प्रमाण होते हैं। तो न्यायालय ने माना कि इन्होंने मेरी मानहानि की है, गलत तथ्य जनता के सामने अखबार के माध्यम से रखे, वही काम आज मेहरबान सिंह कर रहे हैं। इनके ऊपर भी मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा और निश्चित रूप से बहुत जल्दी मानहानि का मैं मुकदमा दायर करने वाला हूं उनके विरुद्ध। जैसे तो ये थे स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे, जिन पर फिर एक बार गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिस पर स्थिति को साफ करते हुए राजीव चौबे ने अपनी बात सभी के समक्ष रखी है और साफ किया है कि ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को न्यायालय तक ले जाएंगे और मान हानि का दावा करेंगे। ग्रैंड ACN न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ मैं शाहीन खान।